Optimum air fuel ratios for efficient boiler operation. हिंदी लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस शीर्षक का मतलब समझाने की कोशिश करते हैं। बॉयलर की अधिक कार्य क्षमता के लिए हवा और ईंधन का बिल्कुल उचित अनुपात में मिश्रण, इस संबंध में हम बातचीत करेंगे। यह लेक्चर बॉयलर टोटल एयर कंट्रोल पार्ट 1 है। टोटल एयर का तात्पर्य यहाँ पे प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर के जोड़ से टोटल एयर बनता है। तो टोटल एयर कंट्रोल के बारे में इस लेक्चर का शुरुआत है। प्रस्तावना। बॉयलर के उच्च कार्य क्षमता के लिए हवा और ईंधन का बिल्कुल सही मिश्रण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस वजह से है कि बॉयलर की सेफ्टी इस पे आधारित है, हवा का प्रदूषण इस पे आधारित है। यह टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग से भी संबंध रखता है और ऑफ कोर्स अगर हवा का सही मिश्रण होगा, हवा और फ्यूल का, हवा और ईंधन का सही मिश्रण होगा तो ईंधन की भी बचत होगी। यह ग्राफ दिखाता है कि जैसे जैसे बॉयलर का लोड बढ़ता है वैसे वैसे ईंधन की आवश्यकता बढ़ती है। ईंधन को जलाने के लिए हवा की जरूरत होती है क्योंकि हवा से ईंधन को ऑक्सीजन मिलती है और जैसे जैसे बॉयलर का लोड बढ़ता है हवा की आवश्यकता भी बढ़ती है। ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ईंधन के फॉर्मूले के हिसाब से जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी हवा को हम स्टोइकियोमेट्रिक मात्रा कहेंगे। तो जैसे जैसे बॉयलर का लोड बढ़ेगा वैसे वैसे हवा की स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू या मात्रा उसी हिसाब से बढ़ेगी जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया है। तो हवा की स्टोइकियोमेट्रिक मात्रा, थ्योरेटिकली यह वो मात्रा है जो ईंधन को जलाने के लिए पर्याप्त है, ना कम है ना ज्यादा है। अनुरोध। यह उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर सेशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज
available in English language also. ईंधन को जलाने के लिए हवा और ईंधन का अच्छा सा मिश्रण तैयार होना चाहिए। इस मिश्रण को तैयार करने के लिए हवा और ईंधन के मिश्रण में एक खलबली सी पैदा होनी चाहिए ताकि बहुत बढ़िया मिक्सचर तैयार हो, तभी जो है ईंधन जो है अच्छी तरह से जलेगा, इफिशिएंटली जलेगा। तो केवल हम फार्मूला के हिसाब से हवा की स्टोइशियोमेट्रिक मात्रा दें तो आपका जो ईंधन है, फ्यूल है, वो प्रॉपरली नहीं जलेगा, क्योंकि हवा और ईंधन का मिश्रण अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा। तो ईंधन को प्रॉपरली जलाने के लिए आपको एक्सेस एयर देनी पड़ती है। डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो एक्सेस एयर जो है वो है अतिरिक्त हवा। फार्मूले के हिसाब से स्टोइशियोमेट्रिक मात्रा चाहिए और स्टोइशियोमेट्रिक मात्रा से ऊपर जो अतिरिक्त हवा दी जाए उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस एयर। तो इस एक्सेस एयर की ज़रूरत पड़ती है ताकि ईंधन और हवा का अच्छा सा मिश्रण बन सके और उस मिश्रण में कुछ खलबली सी रहे, तभी ईंधन सही ढंग से जलेगा। एक्सेस एयर, अतिरिक्त हवा। एक्सेस एयर का मतलब यह है कि हवा की वो मात्रा जो फार्मूले के हिसाब से स्टोइशियोमेट्रिक मात्रा है हवा की, उससे ज़्यादा। इस ग्राफ में भी इस चीज़ को ग्राफिक रूप से दिखाया गया है। इस ग्राफ में जो हरे रंग का पोर्शन है वो दिखाता है कि बॉयलर में ईंधन को जलाने के लिए हमें कितनी हवा चाहिए। अगर बॉयलर में कम हवा दी जाएगी क्या होगा कि अधजला ईंधन रह जाएगा बॉयलर के अंदर और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी, और ये जो है अधजला ईंधन और कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी टाइम जो है विस्फोट पैदा कर सकती हैं बॉयलर के अंदर। जब पर्याप्त मात्रा में बॉयलर में हवा नहीं दी जाएगी तो एक तो आपका ईंधन व्यर्थ जाएगा, यानी इनएफिशिएंट बर्निंग होगी ईंधन की, और बॉयलर की सेफ्टी भी खतरे में है क्योंकि एक्सप्लोजन हो सकता है। इसलिए इस ग्राफ में रेड पोर्शन में हमने दिखाया है इनएफिशिएंट और अनसेफ ऑपरेशन। दूसरी बात जो आप ये नोट करेंगे कि बॉयलर के कम लोड पे हमें ज़्यादा एक्सेस एयर मेंटेन करनी पड़ती है, और जब बॉयलर का ज़्यादा लोड होता है तो हमें कम एक्सेस एयर मेंटेन करनी पड़ती है।
ये इस वजह से है कि कम लोड पे कम हवा की वजह से हवा और ईंधन की प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती है, इसलिए हमको ज़्यादा एक्सेसियल देनी पड़ती है ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बताया था, बॉयलर के हाई लोड पे जो है एक्सेस एयर की परसेंटेज कम हो जा रही है, बल्कि आप देखेंगे कि एक्सेस एयर की वैल्यू बिल्कुल स्टॉशियोमेट्रिक एयर की वैल्यू के बराबर जा रही है। तो ऐसा इसलिए है कि बॉयलर की फर्नेस से हीट लॉस हो रहा है हवा के द्वारा। अगर उस हवा को कम रखा जाएगा तो हीट लॉस कम होगा, ताकि हवा के द्वारा चिमनी के रास्ते जो भी हीट लॉस हो रहा है वो कम होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्सेस एयर की जो मात्रा है वो बॉयलर के लोड के हिसाब से रखनी है, कम लोड पे ज़्यादा एक्सेस एयर रखनी है और हाई लोड पे कम एक्सेस एयर रखनी है। और इस चीज़ को हमने इस ग्रीन पोर्शन के द्वारा दिखाया है कि अगर एक्सेस एयर इस बैंड के हिसाब से रहेगी, ग्रीन बैंड के हिसाब से, तो आपका बॉयलर का सेफ ऑपरेशन भी होगा और इफ़िशियंट ऑपरेशन भी होगा। यहाँ पे जो आपका पीले रंग का पोर्शन है ग्राफ में, यहाँ पे क्या है कि एक्सेस एयर जो है ज़रूरत से ज़्यादा दे दी गई, और ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस एयर जो है वो फर्नेस की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके चिमनी के रास्ते बाहर निकाल देगी। तो ये येलो पोर्शन जो है इनएफिशिएंट ऑपरेशन है, जो दिखाता है कि एक्सेस एयर जो है ज़रूरत से ज़्यादा है, तो इसलिए इनएफिशिएंट ऑपरेशन है। रेड पोर्शन में एक्सेस एयर ज़रूरत से कम है, इसलिए अनसेफ ऑपरेशन भी है और इनएफिशिएंट ऑपरेशन भी है। ग्रीन पोर्शन जो है इस ग्राफ का, उसके अंदर बिल्कुल सही मात्रा में एक्सेस एयर है, तो इफ़िशियंट ऑपरेशन भी है और सेफ भी है। तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि बॉयलर को सेफ और इफ़िशियंट रूप में चलाया जाए, उतनी ही एक्सेस एयर दी जाए जितने की ज़रूरत है। ये ग्राफ जो है हीट लॉस वर्सेस एक्सेस एयर का है। जब एक्सेस एयर कम है तो इनएफिशिएंट और अनसेफ ऑपरेशन है। हीट लॉस क्यों हो रहा है? ताकि जो अनबर्न्ड है फ्यूल वो भी चिमनी के रास्ते बाहर जा रहा है, और बॉयलर ऑपरेशन भी अनसेफ है। तो यहाँ पे हीट लॉस जो है अनबर्न्ड फ्यूल की वजह से है। जैसे जैसे आप एक्सेस एयर बढ़ाते हैं, अनबर्न्ड फ्यूल की वजह से जो लॉसेज है वो कम होता जा रहा है। लेकिन जब एक्सेस एयर बढ़ाई जा रही है तो उसकी वजह से हीट लॉस हो रहा है। तो ये कर्व दिखाता है एक्सेस एयर की वजह से हीट लॉस, ये कर्व दिखाता है कि कम एक्सेस एयर की वजह से फ्यूल का लॉस, और ये कर्व दिखाता है एक्सेस एयर की वजह से हीट का लॉस। तो इस रेड पोर्शन में इनएफिशिएंट और अनसेफ ऑपरेशन है, इस येलो पोर्शन में इनएफिशिएंट ऑपरेशन है ड्यू टू हीट लॉस ड्यू टू एक्सेस एयर, एक नैरो पोर्शन है इफिशिएंट और सेफ ऑपरेशन का, और हमको बॉयलर को इसी नैरो रेंज में ऑपरेट करना होता है, इतनी ही एक्सेस एयर दी जाए जितनी की पर्याप्त मात्रा में है, ना कम हो ना ज़्यादा। तो
इस डिस्कशन का यह निष्कर्ष निकला कि हमको बॉयलर के फर्नेस में उतनी ही हवा देनी चाहिए जितने की उचित है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इससे आपका बॉयलर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और सेफ्टी इम्प्रूव होगी। और तीसरी बात यह है कि जो पंखे हवा को फर्नेस में देते हैं और फर्नेस से बाहर निकालते हैं, उनका भी एनर्जी का खर्चा कम आएगा। अनुरोध, ये उम्मीद की जाती है कि यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। कृपया लाइक बटन दबाएं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस लेक्चर इज अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो।